आज का जो कार्यक्रम कल के लिए होने जा रहा है उसके लिए नेताजी इकट्ठे हुए हैं। हमारे मंच पर उपस्थित आरजे रमेश बेन, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रंजन बेन, बीके संगीता बेन, आप सभी परमात्मा के आत्मिक भाई और बहने, आज कल के जो प्रोग्राम होने जा रहा है डिजिटल रेडियो कॉम्पिटिशन जो रेडियो मधुबन की ओर से किया गया, उसका ग्रैंड फिनाले का कार्यक्रम कल शाम को 4 बजे से होने वाला है अग्रसेन भवन सिटीलाइट के अंदर। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे बीच जो आज आगू से खास आज ये रमेश भाई जी पहुँचे हैं वो उसके डिटेल्स हमारे बीच में रखेंगे, तो आप उन्हीं से इसकी डिटेल हम सब लेंगे। आज ये रमेश भाई जी
शांति। तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन ये जो है रेडियो मधुबन का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पर हम लोग जो बच्चे जैसे कि हम लोग टीवी में देखते हैं सारे गमा पा लिटिल चांस वगैरह, बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे एंजॉय करते हैं और काफी लोगों को एक मंच मिलता है और एक बच्चों के अंदर का जो टैलेंट है उसको एक बड़े मंच देने का काम हो रहा है। और ये माउंट आबू में रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। हमने देखा कि वहाँ पर जो दूर दराज के आदिवासी इलाके में बच्चे रहते हैं और कई स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चे हैं जिनके अंदर ये एक टैलेंट है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं लेकिन बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो हमने सोचा क्यों ना हम रेडियो के माध्यम से इस चीज़ को शुरू किया जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि दूर दराज वाले वहाँ तक स्टेशन स्टूडियो तक भी नहीं पहुँच पाते, तो क्या हो सकता है, इसके लिए क्या किया जाए? टैलेंट तो है बच्चों के अंदर लेकिन वो स्टूडियो तक आने जाने में टाइम एंड पैसा सब कुछ आता है, तो उस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में हमने हमारा टीम ने बात किया। तो एक निष्कर्ष हमने निकाला तो इसको डिजिटली क्यों ना किया जाए कि हर व्यक्ति जिसको लगता है कि मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ, तो अपने घर पे आजकल एंड्रॉयड फोन सभी के पास है, इवन स्कूल में भी टीचर्स भी यूज करते हैं, तो अपने स्कूल से भी वो बच्चों का जो टैलेंट है एंड्रॉयड फोन के माध्यम से डिजिटल डिवाइस के माध्यम से हम तक स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन आप सभी जानते होंगे स्काइपी से हमने इसको शुरू कर दिया। स्काइप से जैसे हम लोग कॉलिंग करते हैं, ऑडियो वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो हमने सोचा कि इसका अच्छा उपयोग हम लोग सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए करते हैं। तो पहले हमने अपने यहाँ आबू रोड में एक विलेज है बारजा करके, बारजा में हमने ये स्टार्ट किया। वहाँ पर 3 स्कूल के बच्चों को हमने बातचीत किया कि ऐसे ऐसा कॉम्पिटिशन होने वाला है, जो भी इंटरेस्टेड है वो अपना नाम अपने टीचर को दे और टीचर फिर हम तक पहुँचाए। तो टीचर से हमने बात किया, दूसरे दिन उन्होंने हमको लिस्ट दे दिया, एक 30 बच्चों का ग्रुप बना। 30 बच्चों का ग्रुप बना था, हमने बोला ठीक है हम लोग ओपन राउंड करते हैं, सर अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही हमारे साथ कनेक्ट हो गए स्काइप से और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हमने। एक के बाद थोड़ा सा हल्का सा डिस्टर्बेंस आता था, कभी कुछ होता था, लेकिन हम लोग मैनेज करके उसको कर लिया। पूरे 30 बच्चों का एक साथ रिकॉर्डिंग हमने किया, 1-to-1 हम लोग बात करते थे, हेलो नमस्कार आपका नाम क्या है, कौन से क्लास में आप पढ़ते हो और आपके घर में कितने लोग हैं और आपको क्या बनना है, इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों के अंदर एक अलग यूनिकनेस आता, वो बच्चा अपनी बात बताता है। फिर उसके बाद हमने कहा कि आप कौन सा गीत बहुत पसंद करते हैं, जो आपका मन का गाना है वो हमें अच्छी तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ सुनाई। तो बच्चों ने वो ओपन राउंड में सभी बच्चों ने उन ओपन राउंड में कोई बंदिश नहीं था, सभी ने गाना गाया, एक मुकड़ा एक अंतरा हम लोग ने रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको बकायदा एडिट करके रेडियो पे हमने प्ले किया। उसके बाद फिर हमने उसमें से जो अच्छे हैं जजेस को बुला के सब चीज़ें सभी 30 बच्चों को ऑडिशन सुनाया, उसके बाद जजेस ने कहा ये बच्चों को सेकेंड राउंड में रखिए। तो 30 में से 18 बच्चों का फिर सिलेक्शन हुआ सेकेंड राउंड के लिए। फिर हमने वो लिस्ट सर को भेजा, सर को बोला कि अभी 3 दिन का आप टाइम ले लो, अभी थीम के साथ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बच्चों को, तो देशभक्ति के ऊपर आप बच्चों से गाना तैयार करवाइए और 3 दिन के बाद वापस हम लोग स्काइप से रिकॉर्ड करेंगे। तो उसी तरह 3 दिन के बाद फिर से हमने उसको रिकॉर्ड किया सेकेंड राउंड का। जैसे सेकेंड राउंड पूरा हुआ फिर हमने जजेस को बुलाया रेडियो पर, उसको प्ले कराया और उसमें से सिलेक्ट किए बच्चों को, तो 12 बच्चे सिलेक्ट हो गए उसमें से। तो 12 बच्चों का हमने फाइनल राउंड उनके ही कैंपस में, जो 3 स्कूल के बीच में एक बड़ा कैंपस का ग्राउंड था उनका, उस ग्राउंड में हमने उसको एज जजेस के सामने उस चीज़ को परफॉर्म किया। तो बच्चों का जो उमंग उत्साह देख कर एक बहुत अच्छी बात उसमें ये लगी कि वहाँ के जो गाँव के लोग हैं उनको भी ये देखने का मौका मिला कि ऐसा भी कुछ होता है, तो वो वहाँ के लोग भी आए और हमने तो सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी बच्चों को दिया था। तो वहाँ का एक ईश्वर जी करके नाम है उनका, चाय की दुकान है उनका, लेकिन सोशल वर्क में काफ़ी इनिशिएटिव लेते, तो उन्होंने बोला बच्चों को कुछ कैश ट्रॉज भी देना चाहिए, तो मैं बोला आप कराओ तो हम लोग देते हैं। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट वहीं पर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किया और प्रिंसिपल को दिया और प्रिंसिपल ने मेरे को कहा कि क्या करें, तो मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आएगा उनका एक पैकेट बना के बच्चों को कैश प्राइज दिया। तो हमने फिर वो कैश प्राइज भी बच्चों को दिया और सभी परफॉर्मेंस होने के बाद एक शर्मा करके छोटी लड़की जो 6वीं कक्षा में पढ़ती है वो फर्स्ट नंबर आया और 501 रुपये उसका हमने कैश सर्टिफिकेट यानी ट्रॉफी दे दिया। तो बहुत ही एक यूनिकनेस था, सभी गाँव वालों को भी अच्छा लगा, टीचर्स को भी अच्छा लगा। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे फिर हम लोग बड़े स्कूल कॉलेजेस में किया, फिर अजमेर में हमने सुमति पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में किया, उसके बाद खेड़ ब्रह्मा में एक कॉलेज है आर्यता करके वहाँ पर हमने किया, फिर उसके बाद हमने भोपाल में किया डिजिटली किया, फिर फाइनल राउंड के लिए हमारा टीम वहाँ जाता था और वहाँ से लाइव भी करता था। तो ये आरडी मेमोरियल कॉलेज करके हैं आयुर्वेदिक कॉलेज,
वहां पर भी बहुत अच्छी तरह से हमने उसको कराया। और उसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो संगीत के प्रति बच्चों की चाव पैदा कर रहे हैं, इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, उनके टैलेंट को उसमें से निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो संगीत के अंदर रुचि रखता है उसका कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी एक रुचि बनी रहती है। तो अध्यात्म जैसे कि हमारा ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ के जो लोकल सेंटर है उनको बुलाते हैं ताकि उनको मेडिटेशन के बारे में बता सके। और मेडिटेशन के माध्यम से मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होने से आप कोई भी काम करना चाहते हैं या गाना गाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से वो मैनेज करते हैं। तो बीच में हम लोग जैसे कॉम्पिटिशन पूरा होता है, जब निर्णय करने के लिए टाइम लगता है, उनको डिसीशन देता है फर्स्ट सेकंड बनाने के लिए, उस समय हम 10 मिनट का सेशन जो है मेडिटेशन का भी रखते हैं, और उसमें बच्चे एकाग्र होकर सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और फिर आगे के लिए उनको अगर ज़्यादा इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना है तो वहाँ के लोकल सेंटर का हम लोग एड्रेस दे के उनको छोड़ देते हैं, ताकि वो जब भी समय मिले वो अपना मेडिटेशन भी सीखे, मन एकाग्र करें। और सिंगिंग टैलेंट के लिए हम लोग रेडियो के माध्यम से कई बार, एक और बात इसमें हम लोग जैसे जैसे काम करते गए एक और बात निकल के ये आया कि बच्चों को जो है क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए टाइम नहीं है, या म्यूजिक सीखना चाहते तो उनके पास फीस नहीं है, और हफ्ते में 2-3 बार उनको जाना पड़ता है, या कोई स्कूल में है तो ठीक है, स्कूल में कई बार म्यूजिक की क्लासेस नहीं चलते टीचर्स ने, तो इनके लिए हमने क्या किया, हमारे रेडियो पे ही संडे को एक प्रोग्राम शुरू किया संगीत के, जिसमें बाकायदा जो संगीत के टीचर हैं उनसे हम लोग बात करते हैं, और उनसे हर एक राग के ऊपर हम लोग बात करते हैं, एक एपिसोड एक राग पे बनाते हैं कि राग भैरवी कैसे गाना चाहिए, कब गाना चाहिए, कितने बजे गाना चाहिए, इसके आरोह क्या है और रो क्या है, और कैसे इसको प्रैक्टिस करें, और कैसे इसके म्यूजिक बनते हैं, थाट क्या है, इसका जो अभ्यास गीत क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और वो चीज़ हमने वेबसाइट पे भी डाल के रखी है, उसका लिंक जो बच्चे सीखना चाहते हैं क्लासिकल म्यूजिक फ्रीली वो ट्यूटोरियल्स जो है वो डाउनलोड करके सुन सकते हैं। 60 से 70 एपिसोड वेबसाइट पे हमने डाल के रखा है, ताकि बच्चे जिनको इच्छा है वो सैटरडे संडे एक बार उसे डाउनलोड करके सुन भी सकते हैं, और जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो हम लोग एक सीडी बना के बच्चों को गिफ्ट देते हैं, ताकि वो अपने सीडी के माध्यम से या मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करके भी उसको रेगुलर सुने, और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन शास्त्रीय संगीत है, उसको सुने, समझे, और उसके साथ में वो अपना अभ्यास करे। तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर आपके सूरत में GD इंटरनेशनल जो स्कूल है वहाँ के बच्चे, और गुलाम फरीद सर यहाँ पर है जो म्यूजिक क्लास चलाते हैं, वहाँ पर जो है छोटे बड़े सभी लोग सीखते हैं जैसा जैसा उनको टाइम मिलता है। तो उनका हमने ओपन राउंड सेकेंड राउंड पूरा कर लिया है, और फिनाले राउंड में हमने दोनों ग्रुप को इकट्ठा करके ग्रैंड फिनाले कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी, और वो कल 5 बजे से शुरू होगा, 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बारे में मुझे लगता है कि संगीता बहन अच्छी तरह से बताएंगे कि किस तरह से वो प्रोग्राम मिनट टू मिनट है, वो उन्हीं से हम लोग सुनेंगे। थैंक यू सो मच। शांति, जैसे कि भाई साहब ने आपको बता ही दिया कि तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन है क्या एक्चुअली, तो सूरत में भी हम लोगों ने रसायन एकेडमी जो उस्ताद गुलाम फरीद सर चलाते हैं उनके 50-60 बच्चों ने ऑनलाइन ऑडिशंस दिए थे अपने, और GV गोयनका इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 11th स्टैंडर्ड तक के हैं, उनमें से 25 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिए थे। उनके ओपन राउंड में सेकेंड राउंड हम लोगों ने किए, और अब ग्रैंड फिनाले है। हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि एज वाइज हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे अब भल हमने रसायन एकेडमी और GD गोयनका इंटरनेशनल स्कूल दोनों को इकट्ठा किया है, लेकिन हमारा जो रेडियो वॉइस ऑफ सूरत ट्रॉफी दी जाएगी वो दोनों में से फर्स्ट को चुना जाएगा, क्योंकि एज लेवल डिफरेंस हो जाता है, और इसके बाद उनमें से एक रनर अप भी रहेगा। और इसमें विशेष आकर्षण ये रहेगा कि ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं कल का कार्यक्रम, और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम लोग झंडारोहण आदि का भी कार्यक्रम रखेंगे, और ये डेडिकेटेड है मेरिकल विमेन मिस गीता देवी चांडक, जिनके बारे में आप लोगों को ये सारा दिया गया है, और मेयर श्री जी भी पधारेंगे अपने बीच में, स्मिता शिरोय जी, वो भी उनका सम्मान करेंगे, और बच्चों को ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिया जाएगा। विशेष अपने अग्रवाल समाज ट्रस्ट वाले जो हैं
उन्होंने और दिल खुश ब्रदर्स के जो दीपक भाई चौकसी जी हैं, उन्होंने अपने को विशेष सहयोग दिया है इसमें, क्योंकि क्या है, हमारा ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम बच्चों से कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं लेते। जैसे आप दूसरी जगह जाओगे तो उनके रजिस्ट्रेशन फीस लगेंगे, एंट्री फीस लगेंगे, हम नहीं लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे वो देखा गया है कि कई बच्चे दे पाते हैं, कई बच्चे नहीं भी दे पाते हैं, और खाली एक फीस के कारण कई बच्चों की कलाएं पीछे न रह जाए, और उनका जो जोश या उमंग है कि हम भी वहां तक पहुंचे या हमारी भी आवाज दुनिया तक जाए, तो हम लोग उनसे फीस नहीं लेते हैं, लेकिन हम लोग स्पॉन्सरर्स या डोनेशंस लेते हैं, और स्पॉन्सर्स के द्वारा हम लोग ये प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं ताकि बच्चों को हम पूरे बेनिफिट्स दे सकें। तो सूरत में विशेष अपने को अग्रवाल विकास ट्रस्ट के अनिल भाई अग्रवाल जी, इन्होंने सहयोग दिया है हॉल वगैरह के लिए, और खुशाल दास ज्वेलर्स के जो अपने दीपक भाई चौकसी है, वो मोमेंटोस ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट वगैरह का उन्होंने अपना स्पॉन्सर दिया है। और साथ ही एक विशेष आकर्षण हम लोग ये भी रख रहे हैं कि जो मतलब खाली सिंगिंग कॉम्पिटिशन ना होके, क्योंकि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भी है, इसमें लगभग जी डी गोयनका के 11 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास, और रसायन अकेडमी के 13 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कल भाग लेने वाले हैं, उनको 3-3 मिनट्स का सॉन्ग दिया गया है, वो गाएंगे, और है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जैसे हम लोग उनको थीम देते हैं। अब अगर रिपब्लिक डे के पहले हम ये प्रोग्राम करेंगे या 15 अगस्त के पहले, तो थीम उस अनुसार दी जाएगी। अब क्योंकि शिवरात्रि के नज़दीक में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, तो उन सबको एक थीम दी गई है कि आप इस शिव के ऊपर कोई भी गीत गाइए या कोई भी भक्ति सॉन्ग्स लीजिए, तो वो लोग कल उसको ऊपर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और विशेष एक एमी पटेल डांस एकेडमी वाले हैं यहाँ पे, उनके वो लोग ऑनररी बेसिस पे उनके बच्चे एक तो दो डांस परफॉर्मेंस करेंगे, गणेश वंदना और एक दूसरा है ससुर मर्दानी। इस प्रकार से पूरे कल के कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोगों ने आई थी, जिसमें स्पेशल गेस्ट के रूप में भी जैसे ये तीन तो हैं, इनॉग्रेट चीफ गेस्ट हमारे मेयर जी हैं अस्मिता शिरोई जी, और स्पेशल गेस्ट्स के रूप में हमारे रंजन बहन ब्लेसिंग्स देंगे रंजन बहन जी, साथ में हमारे जो मेडिटेशन कराएंगे वो फाल्गुनी बहन जी कराएंगे, साथ में स्पेशल गेस्ट के रूप में है अपने उस्ताद गुलाम फरीद सर जी हैं, ईगल ग्रुप के राधेश्याम जी चाचू हैं, और अपने जी डी गोयनका के चैतन्य भनावाला जी हैं जो वहाँ के इंचार्ज हैं। हमारे तीन मेन जजेस हैं, एक तो गीता जोशी जी हैं जो वोकलिस्ट हैं यहाँ पे, एक है मनीष देवकटे जी जो सरस्वती स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर भी हैं, और साथ में है नीलेश बाफना जी जो सिंगर भी हैं और एज अ जज अब अपने पास आ गए हैं। तो इस प्रकार से सारा ही कार्यक्रम कल का आयोजित किया गया है। आप लोगों को कुछ भी पूछना तो रंजन बहन कि आप सबको बताया गया कि कल हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम सूरत शहर के अंदर और सब सूरत नाम से हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो बहुत अच्छा और भी बड़े बड़े शहरों के अंदर ये प्रोग्राम्स हो चुके हैं, ऐसे ही सूरत के अंदर भी वॉइस ऑफ सूरत फ्रॉम रेडियो मधुबन, मधुबन माना जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आउट, तो वहाँ की तरफ से ये हो रहा है प्रोग्राम। आप लोग सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो कि एक आध्यात्मिक संस्था है, तो यहाँ ये सेवाएं या ये कार्य ये प्रोग्राम्स कैसे करने लगे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो कि एक आध्यात्मिक संस्था होने के साथ साथ विद्यालय के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियाँ भी चलती रहती है, और इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर जो आने वाले भाई बहने हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, अलग अलग व्यवसाय से आते हैं,
और इसलिए ब्रह्मा कुमारी की 19 जितनी विंग्स बनी हुई है और वह विंग्स है जैसे मेडिकल विंग्स है, एजुकेशन विंग है, बिजनेस इंडस्ट्रीज विंग है, ऐसे ही एक विंग है आर्ट और कल्चरल। तो ये आर्ट एंड कल्चरल विंग के जिसके अंदर बच्चों के अंदर या कोई भी व्यक्ति के अंदर जो भी ऐसी कोई आर्ट है, कोई भी ऐसी संगीत डांस आदि है, तो उन्हों के अंदर की आध्यात्मिकता को लेकर के या मूल्यों को लेकर के कैसे वो अपनी कला को और भी आगे वो प्रोग्रेस करे, ये बातें इसमें बताई जाती है। तो ऐसे ब्रह्मा कुमारी की जो अलग अलग विंग्स हैं, ताकि हर व्यवसाय से आने वाले भाई बहने अपने व्यवसाय के अंदर आध्यात्मिकता को जोड़ करके फिर कैसे आगे बढ़े, ये बातें उसमें बताई जाती है। ऐसे ही जो एक विंग है आर्ट एंड कल्चर विंग, तो उस विंग के द्वारा भी ऐसे हमारे कई प्रोग्राम्स होते रहते हैं और इस प्रोग्राम्स के अंदर हम कई ऐसे टीवी के एक्टर, फिल्म के एक्टर्स को भी बुलाते हैं और उन्हों को भी ये संदेश देने के साथ कि अपनी कला के अंदर आप मूल्यों को साथ में कैसे जोड़े और उस रीति से अपने व्यवसाय को और भी आगे कैसे बढ़ाए, ये बातें उसमें बताई जाती है। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम जो हमारा होने जा रहा है, ये FM रेडियो मधुबन, ये बहुत अच्छी सेवाएं कर रहा है और खास करके अनेक गांवों के अंदर भी कॉन्टेक्ट करके गांव वालों की भी एक अच्छी सेवाएं कर रहा है। और ये सेवा इतनी है कि जैसे बताया कि चाहे बच्चे हैं चाहे अनपढ़ है, लेकिन उन्हों के अंदर जो भी एक आर्ट है, तो वह आर्ट को, वह कला को कैसे बाहर निकाला जाए, ये इस FM रेडियो के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम कल हमारे यहाँ सूरत में भी होने जा रहा है, तो आप सभी जरूर इसमें आमंत्रित हैं और जरूर पधारे और आप भी इसके द्वारा औरों को भी अपने अखबारों के द्वारा, अपने टीवी के माध्यम से आप ये लोगों को भी जागृत करें कि ऐसे इसके द्वारा भी आप अपने बच्चों को इसमें रखते हुए उन्हों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज और, कल जो हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा यूट्यूब लाइव भी होने वाला है इसमें, और साथ में लाइक आवाज गई यूट्यूब लाइव कवरेज इसको देते हैं। हमारे क्या RM तरंग फेसबुक पे पेज है और वेबसाइट भी बना हुआ है RM तरंग। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम लोग उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लेते हैं, ताकि नहीं तो कईयों को ये भी होता है ना कि रेडियो और इस प्रकार से हमारा क्या बेनिफिट है, तो ये है। और दूसरा, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे भाई साहब ने बताया अजमेर और खेड़ ब्रह्मा, ये तो ठीक है, हमारे जयपुर, मुंबई और पुणे में भी ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में हो चुके हैं। 8 अप्रैल को तो हमारे मुंबई में ग्रैंड फिनाले है वॉइस ऑफ, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने रेडियो वॉइस ऑफ मुंबई करके, और 22 अप्रैल को हम लोग पुणे में ग्रैंड फिनाले कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोगों ने 6-7 कॉलेजेस कवर कर लिए। तो 6-7 कॉलेज के जो भी फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स, उन सबको फर्स्ट थ्री जो भी विनर्स हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और यहाँ तक ही हम लोग इसको दी एंड नहीं करते हैं, जैसे एक बार ट्रॉफी मिल गई आए स्टेज पे पूरा हुआ नहीं, लेकिन हम उनको कहते हैं कि हमारे जितने भी सेवा केंद्र, हर एक जगह हमारे सेवा केंद्र हैं, हम हमारी बहनों को कहते हैं कि आप उनके नंबर्स नोट कीजिए। और हम लोगों के अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं बहुत सारे, पूरे साल भर में हम लोगों के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो उसमें हम उनको कहते हैं कि आप उनको बुलाइए और उनको एक स्टेज दीजिए ताकि उनकी वो कला खिले। नहीं तो एक क्या होता है, आज प्रोग्राम किया दी एंड हो गया, फिर उसका क्या, एक ट्रॉफी मिल गई पूरा हुआ नहीं, लेकिन हम उनको चांसेस देते रहते हैं ताकि वो अपने पर्सनल उस कला को वापस एनहेंस कर सके और ये कर सके। ऐसा विशेष पूना का भी एक हम लोगों के पास अनुभव है,
वहाँ एक बच्चा था, गरीब बच्चा, जैसे स्कूल कॉलेजेस में हम लोग नाम लेते हैं, ये खाली स्कूल कॉलेजेस तक लिमिट नहीं होता है, कोई भी म्यूजिक क्लासेस वाले भी अपने ग्रुप फॉर्म करके व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और हम उनका ऑडिशन ऑनलाइन ले लेते हैं। वैसे पुणे में भी एक बहुत गरीब बच्चा था जिसने पैसे न होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी, वहाँ के स्कूल वालों ने बोला कि हम इसका नाम आपके इस ग्रुप में डाल रहे हैं, हमने बोला भले, और वही प्रताप हजारे करके है जो फर्स्ट आया और आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब वो हमारे साथ ग्रैंड फिनाले में भी खड़ा रहने वाला है। तो इस प्रकार से बच्चे लाइक उनको पता है यहाँ कोई पॉलिटिक्स होने वाला नहीं है, यहाँ कोई वो भी नहीं है, और हम जजेस भी ऐसे ही लेते हैं, अगर समझो कि अब यहाँ पे जैसे अगर रसायन अकेडमी और जीडी गोयनका वाले, तो हमारे जजेस अगर मनीष भाई हैं और गीता जोशी जी हैं, अगर वो उनको जान रहे हैं तो हम थर्ड एक्सल जज जरूर रखते हैं, जैसे नीलेश बाफना जी, जो किसी को भी ना जानता हो, ताकि एक न्याय उस ढंग से हो सके। और इस पूरे इवेंट को हमको सहयोग दिया है, सबसे बड़ा सहयोग के स्पॉन्सर्स ढूंढना करना, वो है डॉक्टर सुनीता दीदी। सूरत में पहली बार हो रहा है वॉइस ऑफ सूरत? वॉइस ऑफ सूरत पहली बार हो रहा है, और क्योंकि हम लोगों ने अभी फिलहाल रसायन एकेडमी और जीडी गोयनका ही ली है, अब इन दो के बीच में हम कर रहे हैं, फिर हमारा लक्ष्य है कि हमको दूसरे स्कूल्स को भी करना है, अभी एग्जाम्स के कारण हम लोगों ने हॉल्ट करके रखा है कि बच्चे उस इतना टाइम नहीं दे पाए। अभी कल भी ऐसे ही है, जीडी गोयनका में पेपर है एक दो के, 12 बजे तक उनका पेपर है, पर 4 बजे वो कंपटीशन में हाजिर है। ऐसे अभी तक टोटल कितनी कंपटीशन आप लोग करा चुके हैं? हम लोग जयपुर, अजमेर, खेड़ ब्रह्मा, टोटल अबाउट आराम